Hello students, good morning. How are you all? I am fine. So students, today we are going to part 2 for chapter number 10 about kitchen, page number 65. Page number 65. Open it. Take your pen. Very good. Now, first paragraph on the page. So, we are reading. Okay. Now, I read it. So, your finger raise of first line for page number 65. Okay, have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? Where you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. There are so many things to be done for this. Taking out flour in a unsil, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After so much efforts, the chapati reaches your प्लेट. यहाँ पे चपाती कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी दी गई है. ठीक है. हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स. तुमने आपको मालूम है किचन में चपाती कैसे बनती है? नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखो, टेकिंग आउट फ्लोर ऑन यूटेंसिल, एक बर्तन में गेहूँ का आटा लेके उसके अंदर उसका डो बनाना होता है. डो बना के उस डो के छोटे छोटे बॉल्स निकालने पड़ते हैं. वो बॉल्स को रोलिंग करके फिर वो जो मम्मी बेलती है ना, बैलेंस है, यस बैलेंस से उसको पाटले पे रख के बैलेंस से उसको बेलना पड़ता है. फिर उसको चपाती को वो तवी पे सेकना पड़ता है. फिर सेक के ही हम लोग चपाती प्लेट में डाल के खा सकते हैं. समझ में आया? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, सी एंड राइट. गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक. व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट. इसके नीचे देखो, वहाँ पे बहुत सारी ब्लैंक्स दी गई है. वो ब्लैंक्स में आपको आपके घर में, आपके घर के किचन में जाके देखना है कि क्या बना रहे हैं मम्मी. और वो नेम ऑफ द आइटम दी गई है, नेम ऑफ द आइटम. उसके बाजू में बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में आपको वो आइटम का नाम लिखना है. फिर इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या चाहिए वो लिखना है. स्टेप्स, और वन बाय वन स्टेप्स लिखते हैं कि क्या कैसे वो चीज़ बनती है. ठीक है, ये आपको ही फिल करना है. यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेरिटी ऑफ वेज. सम आर पैक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड, व्हाइल सम आर स्टीम्ड. आपको वो आइटम जो भी है वो आपको देखनी है. कुछ आइटम बेक होती है, कुछ आइटम तलनी पड़ती है, कुछ आइटम सेकनी पड़ती है और कुछ आइटम स्टीम, यानी जैसे कि हाँ इडली बनाते हैं मम्मी, तो वो इडली मेकर में बनाते हैं ना, वो स्टीम से बनती है. स्टीम यानी वराड़. वेरी गुड. थिंक एंड राइट. Given below are different methods of cooking. Write the name of two things cooked by each of these methods.
Add some more methods of cooking to the list and give examples. Now, उसके नीचे देखो बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर मेथड ऑफ कुकिंग, उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और लास्ट में टू बॉक्स ड्रॉ करके दिया हुआ था, उसमें मैंने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। और नेम ऑफ थिंग्स, उसके बाजू में एक बॉक्स में बीच में लाइन करके दो रो बना दी गई है, उसमें दो दो बॉक्स दिए गए हैं, उसमें नाम लिखने हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी रोस्ट करके जो भी चीज़ें बनती है वो दो चीज़ों के नाम नेम ऑफ थिंग्स में लिखना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल करके ही दिया है तो मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। मेथड ऑफ कुकिंग, रोस्टिंग, फर्स्ट है रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। उसके बाजू के बॉक्स में लिखना है नेम ऑफ थिंग्स में, पहला नाम लिखना है भाखरी, BHAKHRI, भाखरी। दूसरा नाम लिखना है रोटी, ROTI, रोटी, ROTI, रोटी, लिख लिया, वेरी गुड। मेथड ऑफ कुकिंग में दूसरा नंबर बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग। नेम ऑफ थिंग्स में उसके आंसर लिखने हैं सूप एंड पोटैटोज, सूप, SOUP, सूप एंड पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज। नाउ मेथड ऑफ कुकिंग में थर्ड फ्राइंग, FRYING, फ्राइंग। नेम ऑफ थिंग्स में लिखना है पूरी, PURI, पूरी। सेकंड नंबर समोसा, SAMOSE, ये दोनों तल के ही बनते हैं। मेथड ऑफ कुकिंग में फोर्थ बेकिंग, BAKING, बेकिंग। नेम ऑफ थिंग्स में उसके आंसर आएंगे केक एंड हंडवा, CAKE, केक एंड हंडवा, HANDWA, हंडवा। मेथड ऑफ कुकिंग में फिफ्थ नंबर स्टीमिंग, STEAMING, स्टीमिंग। नेम ऑफ थिंग्स में आंसर आएगा राइस, RICE, एंड खमन, KHAMAN, खमन। मेथड ऑफ कुकिंग में फिफ्थ नंबर शेलो फ्राइंग, SHALLOW FRYING, सेलो फ्राइंग। नेम ऑफ थिंग्स में वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। एंड पराठास, PARATHAS, पराठास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 65 कंप्लीट। टर्न योर पेज, पेज नंबर 66। देखो यहाँ पे ऐसे ही पिक्चर्स दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे कलर लाइन से मैच किया हुआ है। क्या हुआ है, दिख रहा है ना आपको? देखो यहाँ पे बहुत सारे नेम्स लिखे हैं और दोनों साइड पे अलग अलग स्टव के पिक्चर्स दिए गए हैं। बीच में रो में लिखा है केरोसिन ऑयल, दूसरा है कॉल, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है गैस, पांचवा है वुड, छठा है सनलाइट, सातवा है काउडक्स केक्स। समझ में आया? वेरी गुड। सो हमको लिखना है, ड्रॉ करना है केरोसिन ऑयल यानी केरोसिन स्टव। केरोसिन से कौन सा स्टव चलता है?
यस वेरी गुड. सो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है पिंक वाली लाइन. देखो मैंने कहाँ पे मैच की है पिंक वाली लाइन. यस मैच इट वेरी गुड. नाउ कॉल कॉल स्टव कौन सा है. यस फर्स्ट वाली लाइन में सेकंड पे सिगड़ी दिख रही है ब्लू वाली लाइन मैंने देखो ड्रॉ की है. कौन सी वाली लाइन ब्लू वाली. सो मैच इट वेरी गुड. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा होता है हीटर. यस लास्ट वाला. सो ब्राउन लाइन मैंने मैच की गई है मैच की है वो ब्राउन वाली लाइन से आपको मैच करना है. ठीक है कर दिया. यस गैस 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 यानी जो हमको रेगुलर घर पे खाना जिस पे बनाते हैं वही गैस. सो मैच इट. यस लास्ट वाला सिलेंडर और स्टोव दोनों का पिक्चर दिया गया है. सो स्काई लाइन आपको देखनी है. कौन सी स्काई लाइन. सो मैच करो वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वुड यानी लकड़ी से जो खाना बनता है जिसमें लकड़ी से आग जलती है वो कौन सा है चूल्हा. सो फर्स्ट पिक्चर में आपको ये शब्द जॉइंट करना है ब्लैक वाली लाइन. देखो ब्लैक वाली लाइन वहाँ पे ड्रॉ करनी है और है सनलाइट. सनलाइट यानी सूर्य कुकर जो ऊपर सोलर शक्ति यानी सन की जो किरणें होती है उससे खाना पकता है सनलाइट. देखो पैरट कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है वही आपको मैच करना है वहीं से आपको मैच करना है. ठीक है और क्राउडक कैक्स काउडक्स कैक्स यानी जो वो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको गाँव के काउ यानी गाय के छाण उसके जो वो बनते हैं ना क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं मेरे को वो उससे पकाते हैं वो ये चूल्हे में भी काम आते हैं. सो ये आपको जो फर्स्ट वाले वुड में जो मैं आप हमने मैच किया था वही पिक्चर से आपको मैच करना है. देखो ब्लैक लाइन दी गई है ना. यस सो ये हो गया हमारा मैच. ठीक है अब देखो पेज नंबर 67 पेज नंबर 67 विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग. लेमन वाटर लिखा हुआ है एग्जाम्पल दिया गया है लेमन वाटर. फर्स्ट बॉक्स में लिखा है मिक्स शुगर इन वाटर एड लेमन जूस स्ट्रेन इट एंड लेमन वाटर इज रेडी. ओके उसके नीचे मैंने लिखा है फ्रूटिस FRUITDISH फ्रूटिस. फर्स्ट बॉक्स में लिखना है दीज वेरियस फ्रूट्स VARIOUS वेरियस फ्रूट्स. सेकंड बॉक्स में एड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला एड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला. थर्ड बॉक्स मिक्स ऑल द थिंग्स वेल. लास्ट बॉक्स में द फ्रूट इज रेडी द फ्रूट डिस इज रेडी. नाउ थर्ड लस्सी टेक आई कप कर्ड एंड शुगर टू ईट. टेक आई कप कर्ड एड शुगर ईट. सेकंड
Add small ice cubes. Add small ice cubes. Fourth, blending a mixer. Blending in a mixer. Last, the lassi is ready. The lassi is ready. ठीक है, आज हमारा हुआ ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 10 ख़त्म. पार्ट 3 में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, तब तक स्टे होम स्टे सेफ. बाय.